पाप का तांडव फिर से उठा, जख्मी है मानवता, मर रही है इंसानियत, सोच में है विधाता। देखना है पापियों के सर्वनाश के लिए अब और कौन है आता। नहीं है राजा, नहीं है रानी, नहीं है राजा, नहीं है रानी, है ये अजब कहानी जी। जब जब पाप बढ़ेगा सुन लो आएगा एक जूनियर जी। जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी, जूनियर जी। बादल है पर ये गरजे तो काफे पापी, रक्षक का अवतार बन के आ गया है जूनियर जी। जूनियर जी, 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 जूनियर जी। तुम्हारे अच्छे नंबरों को देखते हुए तुम्हें बीच सेशन में भी एडमिशन मिल सकता है। हाँ शैली, मैं गौरव बोल रहा हूँ। गौरव, हैप्पी दिवाली गौरव। हर वक्त बात बेबात डांटती तो रहती हो इस बेचारे को। बेचारा, और ये आप सबको दिवाली मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो बेटा। खुशखबरी ये है कि हॉस्टल में मेरा एडमिशन हो चुका है। गौरव, ये बात तो सही है कि हमें ये सब झेलना नहीं पड़ता, मगर ऐसा तो नहीं है कि हमें इन सब बातों का अंदाजा नहीं। वाह वाह वाह, पहले तो मुझे जाली नोट देते हो, अब बहुत भोले बन रहे हो। क्या जाली नोट दिए? आपका माइंड तो नहीं खराब हो गया इंस्पेक्टर साहब? तो आपको लगता है इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है ना, तो दिवाली की छुट्टियों के बाद अदालत में आकर इनके नाम की जमानत करवा लेना। चाचा जी तुम्हारे हॉस्टल जाने की जिद से परेशान थे, इसलिए वो तुम्हें खुश करने के लिए एक मोटरसाइकिल लेना चाहते थे। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। इस राज से पर्दे को हटाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। और अब आगे। बेटे मैं कसम खाकर कहता हूं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो जाली नोट मैंने उसे जानबूझकर नहीं दिए। नहीं, आपको कसम खाने की जरूरत नहीं है। हम सब आपको अच्छी तरह जानते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि आप ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकते। हम सब रास्ते पर यही बात कर रहे थे कि आपको खामखा फंसाया गया है। नहीं बेटी, मुझे क्यों फंसाएगा कोई, मेरी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं है। इसका मतलब किसी ने बाजार में जाली नोट चलाया है और आप उसकी चपेट में आ गए। हाँ बेटा, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर वो कौन हो सकता है? यही तो समझ में नहीं आ रहा है बेटे। बसों पेमेंट तो बहुत सी जगहों से आई थी, लेकिन बेटे मैंने पेमेंट लेते वक्त नोट चेक नहीं किए थे। चाचा जी, तो फिर आप एक काम कीजिए, आप उन कस्टमर्स के नाम बताइए जिनसे आपने पेमेंट्स लिए थे। नाम तो मैं बता दूंगा बेटे, लेकिन तू करेगा क्या? पता लगाने की कोशिश करेंगे कि असली गुनहगार कौन है। शैली, तुम जाकर इंस्पेक्टर साहब से पेन और पेपर लेकर आओ। हाँ चाचा जी, बताइए। ठीक है बेटा, तो पहला नाम है प्रकाश दलवी। हाँ, मेरा ही नाम प्रकाश दलवी है। बोलो क्या बात है? आपने राय टूर्स एंड ट्रैवल्स को कुछ पेमेंट की थी? की थी? क्यों? वो नोट आपको कहां से मिले थे? तुम्हें इससे मतलब? हमें मतलब है, क्योंकि हमारे पास कुछ जाली नोट आए हैं और हमें पता लगाना है कि वो नोट कहां से आए। वेल, वो तो मैंने अपने बैंक से निकाले थे। बच्चों,
हो? मैंने तो बैंक से दिए थे। भाई मैंने तो पैसा बैंक से निकाल के दिया। बैंक से? अब तो ये लास्ट नाम बचा हमारी लिस्ट में, बलदेव कपूर। चलो देखते हैं यहाँ क्या होता है। मैं चेक करता हूँ। अरे यहाँ तो कोई क्या हुआ? तुम लोग हंस क्यों रहे हो? तू ताला लगे दरवाजे की घंटी बजाएगा, तू हंसे भी नहीं। अच्छा तो यार ताला लगा है और तुम लोग तब से मुझे कुछ बोल भी नहीं रहे हो। अगर हम बता देते तो ये तमाशा कैसे देखते? अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है मैं तमाशा दिखाने वाला हूँ? मैं मदारी हूँ, मैं जमू रहा हूँ। मोंटी तू जो कुछ भी है तुझे पता है, अब चल यहाँ से। चलो ये आवाज कहाँ से आई? मुझे लगता है घर के अंदर से आई है। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। अरे इडियट यहाँ से ताला लगा है। अगर ये आवाज अंदर से आई है तो सचमुच अंदर कुछ छिपा है। मगर हम ये कंफर्म कैसे करेंगे? एक मिनट। देखा तुम लोगों ने? अंदर कोई है? देखा तुम लोगों ने? इसका मतलब हमारा शक सही निकला? चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो चलो चलो। ओ, तो बस यही बात बतानी थी मुझे। इंस्पेक्टर साहब आप हमारी बात नहीं समझ रहे। कपूर उन लोगों में से एक है जिन्होंने चाचा जी को पैसे दिए थे और वो जिस तरह हमें देखते ही भागा उससे ऐसे ही लगता है क्यों जानबूझकर हमसे छुप रहा है। तुम्हारी ये बात अगर मान भी ली जाए तो इससे साबित क्या होगा? किसी से छिपना कोई जुर्म तो नहीं है? इंस्पेक्टर साहब इससे एक ही बात साबित होती है, उस घर में कुछ गड़बड़ है और वहाँ क्या गड़बड़ है और क्या जुर्म हो रहे हैं ये तो उसी वक्त पता चल जाएगा जब आप वहाँ चलकर चेक करेंगे। उसे चेक करना नहीं कहते, रेड मारना कहते हैं, रेड। और मैं बिना वजह कहीं भी रेड नहीं मार सकता। प्लीज सर आप एक बार चलिए तो सही, ये एक बेगुनाह की जिंदगी का सवाल है। हाँ सर, यह हमारे चाचा जी को बेवजह हवालात में बंद कर दिया है और वहाँ चाची जी ने खाना पीना सब छोड़ दिया है। प्लीज सर। हाँ सर, और अगर हमारे चाचा जी के सर से इल्जाम ना उतरा तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी, उनका बिजनेस भी चौपट हो जाएगा और सर उनकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। प्लीज सर आप चाहो तो उनकी जिंदगी खराब होने से बचा सकते हैं। प्लीज सर आप चलिए। प्लीज सर आप चलिए। प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर आप चलिए। प्लीज प्लीज सर आप चलिए। प्लीज सर चलिए। प्लीज प्लीज सर आप चलिए। मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। चलो सर। पहले आप। गुड, वेरी गुड। हवलदार बेटा साहब, यही वो घर है
तुम लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हो। मजाक? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? ऐसा क्यों लग रहा है? इस घर का ताला तो खुला हुआ है। ये तो सचमुच खुला है। बस किस्सा खत्म। चलो बेकार में टाइम खराब किया हमारा। रुकिए इंस्पेक्टर साहब, रुकिए। हमने जो कुछ भी कहा सब सच है। तो मैं क्या करूं? सर अब जब आप यहाँ तक आए गए तो इस घर के मालिक से बात तो कीजिए। ठीक है। Yes? इस घर के मालिक आप ही हैं? हाँ हाँ मैं ही हूँ। बलदेव कपूर आप ही का नाम है? हाँ हाँ मेरा ही नाम बलदेव कपूर है। क्या आपने राय टूर एंड ट्रेवल्स को पेमेंट किया था? हाँ हाँ किया था। क्या बात है इंस्पेक्टर? वो नोट आपके पास कहाँ से आए? इस सवाल का मतलब? सवाल के जवाब में सवाल मत पूछो, जो मैं पूछ रहा हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दो। देखिए इंस्पेक्टर साहब, मेरी एक छोटी सी खिलौने बनाने की फैक्ट्री है। मेरे कुछ अपने क्लाइंट्स हैं, उनके तरफ से पेमेंट आया था, उसी में से मैंने पेमेंट कर दिया। लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब, आपके घर में क्या इलीगल काम होता है? मेरे घर में इलीगल काम? जब आपका घर बंद होता है तो लोग अंदर छुपकर क्या करते हैं? क्या बकवास कर रहे हो तुम? संध्या, संध्या जरा सुनो। इंस्पेक्टर साहब, मैं एक शरीफ इज्जतदार आदमी हूँ, मेरे घर में मेरे पीछे भला कौन आदमी यहाँ छिप सकता है? क्या बात है, आपने बुलाया मुझे? और ये पुलिस और बच्चे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये मेरी वाइफ है संध्या और ये मेरी छोटी सी बच्ची अपूर्णा। लेकिन क्या बात क्या है? कुछ नहीं संध्या, तुम अंदर जाओ, ये मेरी फैमिली है। ये चक्कर क्या है इंस्पेक्टर साहब? आई एम सॉरी कपूर साहब, एक्चुअली राय साहब को किसी ने जाली नोट दिए थे और इन बच्चों को शक है कि जाली नोट आपने दिए, और इनका ये भी मानना है कि आपके घर में गैर कानूनी काम होते हैं। आई एम सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मैंने आपसे गुस्से में बात की। मैं मानता हूँ कि कानून की सहायता करना हम सबका फर्ज है, इसलिए आप अपना शक मिटा लें। मतलब? मतलब आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मुझे मालूम है कि आपके पास सर्च वारंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ। नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं, इतना ही काफी है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब तो मेरी जिद है, आप मेरे घर की तलाशी लेकर ही जाइए। मैं नहीं चाहता इंस्पेक्टर साहब कि आपके दिमाग में या इन बेचारे बच्चों के दिमाग में किसी प्रकार का शक रहे। ठीक है आओ तलाशी लेते हैं। आइए सर, आइए आओ बच्चों। साहब अंदर तो ठीक है? कुछ भी नहीं मिला। नहीं साहब, कमरे में एक कंप्यूटर है और कुछ मशीनें हैं बस। हाँ इंस्पेक्टर साहब, वहाँ पर मैंने हाई एंड प्रिंटर्स और टेप बैकअप रखे हुए हैं। कंप्यूटर से खेलना मेरी हॉबी है, इसलिए एडवांस कंप्यूटर रखा हुआ है। अब आपकी हॉबी का हमें क्या लेना देना है? एनीवे मैं माफी चाहता हूँ कि आपको तकलीफ दी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कभी भी मेरी जरूरत हो तो मैं हाजिर हूँ। ओके थैंक यू। थैंक यू। चलें, चलिए। प्लीज आप हमारा विश्वास कीजिए, उस घर में जरूर कुछ गड़बड़ है। कसम से बहुत चिपकू चीज हो तुम। एक तो मैं तुम्हारे साथ चलकर उस आदमी से वहां बात की, उसके घर की तलाशी ली, अब बाकी क्या रह गया है? सर आपके आदमियों ने तलाशी तो ली, मगर वहाँ कोई ना कोई चीज ऐसी जरूर होगी जो उन्होंने देखी, मगर उसकी इम्पोर्टेंस उन्हें समझ में नहीं आई होगी। तो तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें तलाशी के लिए वहाँ भेजता? शुक्र मानो उस आदमी का, वो भला आदमी था, तुम्हें माफ कर दिया। नहीं तो चलो जाओ यहाँ से, मुझे और भी काम है। सर क्या है अब? क्या मैं चाचा जी से मिल सकता हूँ? जाइए मिलिए चाचा जी से, जाइए। थैंक यू सर। चाचा जी आप घबराइए मत, हम सब आपको छुड़ा कर रहे हैं। नहीं बेटे मैं बिल्कुल नहीं घबरा रहा हूं,
मुझे पता है कि मैं बेगुनाह हूँ, सच्चाई के रास्ते पर हूँ, और बेटे आखिर में तो जीत हमेशा सच की ही होती है ना। उस बदमाश ने कितनी बढ़िया चाल चली। हाँ और क्या, उसने पहले से सारे सबूत छिपा दिए और तो और पुलिस को तलाशी भी दे दी। क्या पता वो सचमुच बेगुनाह हो। तुम्हारा मतलब क्या है कि वो बेगुनाह है और चाचा जी गुनहगार हैं? मोंटी, ये नाराज होने की बात नहीं है, हो सकता है हम सबको कुछ गलतफहमी हुई हो और वो आदमी सचमुच बेगुनाह हो। तो फिर अब हम क्या करेंगे? अब हमारे पास एक ही रास्ता है, असली गुनहगार को पकड़ना और उसे पुलिस के सामने पेश करना। मगर ये कैसे होगा? मैं चाचा जी की पेपर्स चेक करता हूँ, शायद कोई सुराग मिल जाए। गौरव एक मिनट। हाँ बोलो। वो हम लोग तुमसे कुछ बात कहना चाह रहे थे। यही ना कि मैं हॉस्टल जाने का ख्याल छोड़ दूँ? हाँ। तुम लोग बार बार वो बात क्यों कहते हो जो नहीं हो सकती। मैं चाचा जी के पेपर्स चेक करने जा रहा हूँ। अब हम क्या करें, ये तो हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। कोई बात कहने का एक तरीका होता है, एक टाइम होता है, बेवक्त की बांसुरी कौन सुनना चाहता है। तो तू ही बात कर लेती ना अपने तरीके से। तमीज से बात कर, समझी ना? तू भी अपने तमीज में रहे। हाँ जरा थोड़ी देर के लिए रुक जाओ और मेरी बात सुनो। मेरे पास एक आइडिया है गौरव को मनाने का। क्या? इधर उधर। सही है ना आइडिया? मुझे कुछ खास जमा नहीं। मुझे भी नहीं जमा। तो तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया है क्या? तो फिर इसे ही ट्राई करते हैं, जमेगा। ओके। तो फिर दो हाथ। तुम लोग मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, कुछ तो बताओ। हम तुम्हें किडनैप कर रहे ताकि तुम हॉस्टल ना जा सको। किडनैप? मैं डर गया मैं। लेकिन तुम्हारे पास चाकू कहाँ है, पिस्तौल कहाँ है, ऐसे किडनैप करोगे मुझे? अरे भाई, चाकू पिस्तौल से तो दुश्मनों को किडनैप करते हैं, दोस्तों को तो प्यार से किडनैप करते हैं। आंटी तो बहुत फिल्में देख रहे हैं आजकल। हाँ, फिल्मी डायलॉग क्यों? एक्चुअली ना हमें एक आइसक्रीम की दुकान का पता चला, सुना है वहाँ आइसक्रीम बहुत सस्ती और बढ़िया मिलती है, तो हम तुम्हें वही लेके जा रहे हैं। ठीक है चलो। हाँ चलो। अरे अंकल गुड मॉर्निंग। अरे पायलट। अरे अंकल कैसे हो आप, और आपके वो दोनों बेटे वो कैसे हैं? मत पूछो बेटा, उन दोनों की तो जिंदगी खराब हो गई और उन दोनों के साथ साथ मेरी भी। क्यों, ऐसा क्या हो गया अंकल? मत पूछो, मैंने उन दोनों को हॉस्टल भेज दिया था, यही गलती हो गई। वो कैसे अंकल? एक की तो हॉस्टल में इतनी रैगिंग हुई कि वो पागल हो गया, अब पागल खाने में है। हाय बेचारा। और दूसरा लड़का अंकल वो कहाँ है? अरे वो तो हॉस्टल में जाकर ऐसा बिगड़ा कि मुजरिम बन गया। क्या? सही कह रहा हूँ बेटियों, एक तो पुलिस से भागता फिर रहा है, न जाने कहाँ कहाँ धक्के खा रहा होगा। गलती तो आपकी थी ना अंकल, आपने तो अपने बच्चों को हॉस्टल में भेजा था। सही बात है, समझदार लोगों को कभी हॉस्टल नहीं जाना चाहिए। हाँ बाबा, मैं तो मर जाऊंगी मगर हॉस्टल कभी नहीं जाऊंगी। अरे अरे अंकल। हाँ? आपके बच्चों के क्या नाम है? चुनुमुनु। ये कैसे नाम है? अरे बेटा नाम तो उनके राम श्याम है, लेकिन प्यार से है ना हम उन्हें चुनुमुनु कह के बुलाते हैं। अच्छा, तो आपके चुनुमुनु की उम्र कितनी है? 13-14 साल। 13-14 साल? हाँ? और इतनी सी उम्र में एक पागल बन गया और एक मुजरिम। अरे बेटा जब उनको हॉस्टल भेजा था ना तो उनकी उम्र थी 13-14। अच्छा अंकल एक बात बताइए,
इन लोगों ने आपको कितने पैसे दिए थे ये नाटक करने के लिए? ये चुनू के नाम पे यही 500 रुपये। क्या यार, तू कुछ भी पूछता रहता है। बॉन्डी तू चुप रहे। तो बताइए अंकल, आपने पैसे लिए थे या नहीं? लिए थे ना। खेल बिगाड़ रख दिया। तुम लोगों ने क्या सोचा, तुम लोग एक कहानी बनाओगे, मैं विश्वास करूंगा और हॉस्टल नहीं जाऊंगा। तुम लोग भी ना, तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। नहीं नहीं गौरव, तुम गलत समझ रहे हो। तुम सही कह रही हो, मगर तुम लोग मेरी बात नहीं समझ रहे। तुम्हें क्या लगता है, मुझे हॉस्टल जाने का और तुम लोगों से दूर होने का कोई शौक है? नहीं, ये तो ऐसी चीज है जो मुझे मजबूर कर रही है ऐसा करने के लिए। तो तुम लोगों की मेरी बात नहीं समझ रहे। लोग सही कहते हैं, जिसको चोट लगती है दर्द भी उसी को होता है। जुल्म न होगे जुल्म के पहरेदार, अन्याय को जो काटेगी है ये वो तलवार। बन के सुदर्शन आया है अब भर गई जुल्म की गागर जी, थम गई पाप की आंधी, देखो दुश्मन भागा डर कर जी।